प्रणाम सभी को, राम राम। हम एक बार फिर से जो लीकर पॉलिसी है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से पहले कह दूं कि जेके मीडिया किसी तरह से भी शराब बेचना या शराब खरीदने वालों को कभी प्रोत्साहन नहीं करता। मैं बार बार कहता हूं कि ये हानिकारक है, लेकिन इस समय जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, जब हमारे जम्मू के लोगों के पास शराब के ठेके थे तब हर नुक्कड़ पर शराब की दुकानें नहीं हुआ करती थी, जिससे इतना क्योस भी नहीं था, लेकिन जब से ई टेंडरिंग या बाहर से लोग आके ठेके लेने शुरू हो चुके हैं हर नुक्कड़ पर आपको शराब की दुकान मिलेगी। इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू की जो है भरमार होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। इस बार का रेवेन्यू उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और दूसरी बात, जो 15 दिन का एक्स्ट्रा जो ये चार्ज कर रहे हैं, जो लोग इसकी फ़ीस देंगे उनको 15 दिन शराब बेचने का मौका मिलेगा, और उसी बीच में जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं उन्होंने इन 15 दिनों में फ़ीस नहीं दे रहे और अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? सरकार को। मेरे साथ फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे वाइन एसोसिएशन के जम्मू कश्मीर के, चरणजीत जी, उनसे बात करेंगे। सर, ये सारी परिस्थिति बनी हुई है जो मैंने कुछ संक्षिप्त में बताया, आप इस पूरी परिस्थिति को कैसे देख सकते हैं? और जब आपके समय में इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता था और आज जब बाहर से इतने बिग प्लेयर्स आए हैं फिर भी रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा? देखिए, थैंक यू आशीष, ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि हम किसी भी लीकर माफिया को या लीकर के बिज़नेस को प्रमोट नहीं करते हो आप, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ और आपकी बात भी मैं दुरुस्त करूं। जैसे आपने कहा कि पुराने लोगों के पास ठेके हुआ करते थे, हम उसको ठेका नहीं कहते थे, हम उसको शॉप बोलते थे। ठेका वर्ड जो है ना, एक बड़ा एक ऑकवर्ड जैसा वर्ड है। ठेकेदार के अंदर अपने आप में एक होता है, दुकानदार बेचारा दुकानदार होता है। लेकिन आज तो ठेकेदारी, आज तो टोटली ठेकेदारी क्या है, आज तो बहुत बड़ा एक नेक्सस बन चुका है कि वो काम कर रहा है, वो क्योंकि उसको मौका दिया गया ना, उसको मौका दिया गया, वो काम कर रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हम भी लीकर को प्रमोट नहीं करते। आपने देखा होगा कि जब हम एसोसिएशन में थे, या आज भी हमारी एसोसिएशन है, या हम उस ट्रेड में थे, तो हमने सोशल काम भी बहुत सारे किए। ये जो आज गवर्नमेंट ने कॉर्पस बनवाया, ये देन चरणजीत सिंह यानी कि उसके लोगों की थी। ये आज भी उस ज़माने के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आज तो वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है क्योंकि सरकार नहीं है, और ब्यूरोक्रेसी में भी वो लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को सराहा था कि हमने फ्रंट फुट पे आके ये काम किया। और हमने काफ़ी सारा डी एडिक्शन की, हमने गेम्स करवाई, नुक्कड़ नाटक करवाए, वो पैसा हमने कंट्रीब्यूट किया था, और उसमें भी दो तीन ऑफिसरों ने मिस यूज़ किया उस पैसे का, और अपने अपने लोगों के लिए काम किया उन्होंने। और एक चीज़ मैं बताऊँ कि हम भी इस ट्रेड को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते, क्यों कि हम दुकानदार थे। हाँ, आज हम जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लोग जो हैं 50 के पार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। वो कहते हैं यार अब हम कोई काम और कर नहीं सकते, तो वही काम अगर रहता हमारे पास तो हम कुछ ना कुछ करते। तो लिहाजा ये है कि आज हमने इनको एक रिक्वेस्ट की थी कि कुछ ना कुछ हमें भी दे दो, ताकि हमारा भी रोटी रोजी का साधन जो है चलता रहे। बैंक लाइबिलिटीज़ हैं और बड़ी सारी चीज़ें हैं। आपने ऐसे एक सुनामी ला के हमें ऐसे उड़ा के रख दिया, और उसके बारे में यार आप रिहैबिलिटेशन के बारे में तो वो हमारे बारे में सोचो। सर, यहाँ के दुकानदार और जो बाहर के बिग प्लेयर्स हैं, जब बोली लगती है तो हमने पिछली बार भी देखा करोड़ों में बोली लगी, और जो यहाँ के लोग हैं वो उस बोली में खड़े भी नहीं हो पाए। अब इन्होंने 26 और दुकानें लाई हैं, तो क्या अभी भी आपको लगता है कि हम लोग यहाँ पर जो यहाँ के जम्मू के लोग हैं लोकल, वो इस बोली में खड़े हो पाएंगे? देखें आशीष, ऐसा है कि मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आज अपने एक ट्रेड को, अगर आप मुझे भी कहेंगे तो मैं भी कहीं नहीं टिक पाऊँगा। उसका रीज़न ये है कि पहले जो इनकी वो होती थी EMD होती थी, 5 लाख थी, फिर 7 लाख हुई, फिर अब 10 लाख भी थी, 10 लाख थी, आज इन्होंने 10 लाख EMD रखी है और 15 लाख से मिनिमम बिड शुरू रखी है। 10 लाख रुपया आपको पहले वो चाहिए जमा कराने, पहले जो रजिस्ट्रेशन थी वो 25,000 थी, अब इन्होंने 50,000 कर दिए, 10.5 लाख रुपये आपको वो चाहिए, प्लस 15 लाख से मिनिमम बिड शुरू है। मान के चलो आपको 15 लाख की दुकान मिल जाती है, तो आपका 25.5 लाख रुपया वहाँ पर टिक गया।
प्लस आपको एमजीआर चाहिए जो हर महीने जमा करवानी, चलो पहली एमजीआर को मान के चलें तो 12-13 लाख रुपया वो है, वो आके 38-37 38-39 लाख रुपया बनता है। प्लस आपको वहाँ में उसके अंदर मटेरियल चाहिए जो आपने प्रोडक्ट को बेचना है, 15 लाख रुपया वो है। मतलब कुल मिला के एक मिनिमम बिड के ऊपर छोटी सी दुकान अगर आपने लेनी है और 60 लाख रुपया आपको लगेगा। और एक चीज़ है, ये लोग अभी ये घाटा बता रहे हैं, और मुझे अभी किसी ने बताया कि ये इनकम टैक्स में भी बहुत सारा घाटा शो कर रहे हैं। घाटा है कहाँ? देखें 150 करोड़ से ऊपर ऊपर आप आंकड़े देख लो यार, रोज़ आप कवर कर रहे हो, आपने रोज़ ओवर चार्जिंग को कवर किया, 150 करोड़ से ऊपर ओवर चार्जिंग है, वो कहाँ गई? जिसको ये एक बड़े बेहतरीन लफ्ज़ों में ओसी कहते हैं, जिसको डिपार्टमेंट भी ओसी बोलता है और ये लोग भी ओसी बोलते हैं, और पिस कौन रहा है? हमारे जम्मू के लोग पिस रहे हैं जो कि इसका दारू का सेवन करते हैं, वो शर्म के मारे 10-20 कुछ लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन रिएक्शन में क्या होता है कि उनको फिर भी कोई मतलब हाथ नहीं उनके कुछ लगता। तो ये चीज़ें हैं, और ये पैसा जा कहाँ रहा है? कोई घाटा वाटा नहीं है, बहुत सारा ये घाटे का भरम जो है इसलिए फैलाया जा रहा है कि लोग इस ट्रेड में ना आए। तो हमारा ये जो ओवर चार्जिंग है, जब आपके पास जब दुकानें थी या अब का जो सिनेरियो देखा जाए, तो क्या ये ओवर चार्जिंग अब बड़ी है? देखें, आपके पास भी मेरा ख्याल है, आप भी काफ़ी देर से मीडिया में हैं और आपने भी कवर काफ़ी किया होगा। हमारे ज़माने में कभी कभार कहीं रूलर शूलर में कहीं 1-2 रुपया वो जो सेल्समैन ले लेते थे, लेकिन उस पर भी पकड़े जाने के ऊपर 15,000 रुपया फ़ाइन होता था और डिपार्टमेंट इतना सख्त था। आज तो डिपार्टमेंट के ऊपर ये है, आज मेरे को बताओ आप ही कवर कर रहे हो, वो कहते जाओ जाके एक्साइज को बता दो, जाओ हमारे मालकों ने कहा हुआ है। तो यार ये ज़रूरत नहीं थी हमारे लोगों में और हम में कि हम ऐसी बात कहें। आपने जैसे वो 15 दिन का एक्सटेंशन की बात की, अब बताओ यार 15 दिन गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दे दी, ये भी तो डायरेक्ट बेनिफिट है इनको, लेकिन चलो मान के चलें जी ठीक है, पॉलिसी लेट होगी इसकी वजह से कि डिस्टर्बेंस ना हो, दुकानें खुली रहें, लोगों को उनकी सामान जो है वो मिलता रहे। अब इन्होंने क्या किया कि मोर देन 50% दुकानें, 279 दुकानों में से मोर देन 50% दुकानें बंद हैं, और जो दुकानें हैं उन पर धड़ल्ले से ओवर चार्ज हो रहा है। कौन पूछने वाला है? आज गवर्नमेंट को उन्होंने आंख दिखा दी कि लो भाई आपने 15 दिन रखे, आपने नहीं खोली दुकानें वहाँ। हमारे में ये ज़रूरत नहीं थी, ये चीज़ है, फ़र्क था शराफत में, हमने काम शराफत से किया और हमने MRP के ऊपर एक बार भी हमने नहीं बेची। बहुत बहुत शुक्रिया चरण जी, और मुझे लगता है कि अगर सरकार बात सुन रही हो तो उनको बात सुननी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय ओवर चार्जिंग हो रही है शराब की दुकानों में, और दूसरी बात यह है कि सरकार को हो रहा है सिर्फ और सिर्फ नुकसान। देखते रहिए JK मीडिया, धन्यवाद, राम राम।